मित्रों, ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनके माह फरवरी 2019 के राशिफल के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मकर राशि के जातकों का राशिफल बताएं, आपको बताएंगे कि ग्रहों की इस माह गोचर में स्थिति क्या कहती है। तो सूर्य, जो कि अभी मकर राशि में ही स्थित हैं, ये 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनकी शत्रु राशि है। और अब आपको ये भी बताएंगे कि जो मकर राशि है, जहाँ पर ये स्थित हैं अभी वर्तमान में, वह आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, जिसको लग्न भी कहते हैं, उसमें स्थित है। और 13 फरवरी को जिस राशि में ये जाने वाले हैं कुंभ राशि में, वह आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं मंगल के विषय में। मंगल वर्तमान में मीन राशि में स्थित हैं, लेकिन ये भी 5 फरवरी को अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जहाँ पर ये वर्तमान में स्थित हैं मीन राशि में, वह मीन राशि आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में स्थित है। और जहाँ पर ये प्रवेश करने वाले हैं 5 फरवरी को अपनी स्वयं की राशि में मेष राशि में, वह राशि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में स्थित है। आगे बताएंगे बुध के विषय में। बुध वर्तमान में मकर राशि में ही स्थित हैं अस्त अवस्था में, लेकिन 7 फरवरी को ये भी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और ये भी अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं 7 फरवरी को। जैसा कि हमने आप अभी आपको बताया था कि कुंभ राशि आपके कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में है, और जहाँ पर अभी बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं वो मकर राशि, वो आपके कुंडली के प्रथम यानी कि फर्स्ट हाउस में है, प्रथम भाव में, जिसको लग्न भी कहते हैं। इसके अलावा 25 फरवरी को ये फिर इस राशि को परिवर्तित करेंगे, यहाँ से निकलेंगे कुंभ राशि से और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी शत्रु राशि है और इनकी नीच की राशि है। और मीन राशि आपके कुंडली का, अभी हमने जैसा कि आपसे कहा था कि तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस है। आगे चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में, लेकिन हाँ, इससे पहले कि गुरु बृहस्पति की चर्चा करें, यह भी बताना चाहेंगे कि 16 फरवरी को बुध उदय भी हो रहे हैं। अब चर्चा करते हैं आपसे गुरु बृहस्पति के विषय में। मित्रों, गुरु बृहस्पति पूरे फरवरी माह अपनी मित्र राशि जो है इनकी वृश्चिक राशि, उसी में ही बने रहने वाले हैं। और मित्र राशि इनकी जो वृश्चिक है, ये जहाँ पर ये बने हुए हैं गुरु, वह आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। आगे चर्चा करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र धनु राशि में स्थित है अपने मित्र शनि के साथ, और धनु राशि आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। लेकिन शुक्र भी इस फरवरी माह में इस राशि को परिवर्तित करने वाले हैं और ये 24 फरवरी को यहाँ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं अभी, कि आपके लग्न में है। शनि पूरे माह यानी फरवरी में, पूरे फरवरी में धनु राशि में ही बने रहने वाले हैं। धनु राशि अभी आपको हम बता चुके हैं कि आपके द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में है। इसी प्रकार राहु भी पूरे फरवरी माह में कर्क राशि में ही बने रहने वाले हैं। कर्क राशि मित्रों आपके कुंडली के सप्तम भाव यानी 7th हाउस में स्थित है। केतु भी जो हैं वो पूरे माह मकर राशि में बने रहने वाले हैं यानी आपके लग्न भाव में। तो ये तो था मित्रों ग्रहों की गोचर में स्थिति आप मकर राशि के अनुसार। आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में, और सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, चाहे आप अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप अपनी नौकरी में कार्यरत हैं, कैसा जाएगा आपका फरवरी माह, इसके विषय में आपको बताना चाहेंगे। तो मित्रों, इस माह आपके कुंडली के दशम भाव के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में स्थित होने के कारण, आप अगर अपने लिए कोई नया रोजगार ढूंढ रहे हैं तो अपने घर से दूर ही रोजगार प्राप्त होना चाहिए आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार। और अगर आप पहले से ही रोजगार में हैं तो या तो आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी अपने कार्य से संबंधित, या फिर आपका वहाँ से दूर के लिए, काफ़ी दूर के लिए स्थानांतरण भी हो सकता है। माह के पूर्वार्ध से यानी कि आरंभ से और माह के मध्य तक आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यों में कुछ रुकावटों का भी सामना
करना पड़ेगा। वैसे आप कोई भी कार्य अपनी बुद्धि बल के द्वारा पूरा करने की क्षमता तो रखेंगे और अंततः आप उसको पूरा भी कर पाएंगे, लेकिन यह आपको ध्यान रखना होगा कि शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव अभी आप पर बना हुआ है। तो जो भी कार्य आप करें तो वो पूरे ईमानदारी और पूरे गंभीरता के साथ करें तो ये आपके हित में होगा। आगे हम आपको बताना चाहते हैं आपकी वित्तीय स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है। तो मित्रों, इस माह आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि आपकी आय के साथ खर्चों की भी काफ़ी अधिकता रहने वाली है इस माह। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह हमारा आपके लिए व्यक्तिगत सुझाव है। आप अपने शौकों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी व्यय करेंगे, अपने शौकों पर अपने ऊपर खर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका धन दूसरी चीज़ों पर भी काफ़ी व्यय होगा, जिसके कारण आपका धन का संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो ऐसा स्थिति ना पैदा हो इसके लिए ये आवश्यकता होगी कि आप अपने धन को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखें। कोशिश करें कि ऐसी स्थिति इस माह पैदा ना हो। आगे चर्चा करेंगे मित्रों आपके प्रेम संबंधों के विषय में। इस माह वैसे तो आपका अपना व्यक्तित्व तो काफ़ी सुंदर दिखाई देने वाला है, सुंदर रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़े उसके ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं तो काफ़ी रोमांटिक दिखाई देंगे, लेकिन आप उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बल्कि माह के पूर्वार्ध से लेकर और माह के मध्य तक, तो चाहे आप विवाहित हैं या फिर अविवाहित, आपको अपने प्रेम संबंधों या वैवाहिक संबंध जो होंगे उसमें तनाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक स्थिति में सुधार होता दिखाई देगा। तो इस माह आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, अन्यथा स्थिति तनावपूर्ण भी बन सकती है। आगे चर्चा करते हैं आपके संतान के विषय में। इस माह अगर आप नवविवाहित हैं और अपने लिए संतान प्राप्ति चाहते हैं या उसकी आशा रखते हैं, तो बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस माह संतान की प्राप्ति होती है तो आपको वह आपके परिवार में खुशी के रूप में उत्सव आप मनाएंगे और एक ही अच्छा घर के अंदर, परिवार के अंदर एक माहौल, उत्सव जैसा माहौल भी होगा। और अगर आपकी संतान शिक्षा प्राप्त कर रही है तो आप इस माह अपनी संतान के परिणामों से पूर्ण रूप से संतुष्ट भी होंगे। यह था आपके संतान के विषय में मित्रों। अब आपकी चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। इस माह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे तो यह आपके लिए उचित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पर शनि की भी साढ़े साती का पूरा प्रभाव बना हुआ है, तो इसीलिए ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिससे आपको ऐसी कोई परेशानियों का सामना इस माह ना करना पड़े। सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय है शनि चालीसा जी का पाठ नियमित रूप से सायंकाल में करें और मंदिर में बैठ के करें तो बहुत अच्छा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं शनिवार के दिन और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। तो मित्रों, ये था आपके लिए उपाय, अगर करते हैं तो इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, आपको ये हमारा जो आपको राशिफल बताया था हमने अभी मकर राशि का, जो जातक हैं उनके लिए, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मित्रों लाइक के साथ साथ अपने मित्रों में इसको शेयर भी कीजिएगा, साथ ही इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी पुश कीजिएगा, बटन को दबाइएगा, ताकि जो भी हमारी आगामी नवीन वीडियोस और नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय माता दी।